नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी द्वारका रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ से इस वीडियो को शुरू करते हैं और द्वारका सिटी को देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये हमारा झंडा, ऊंचा रहे सदा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ पूरा वीडियो देखें और एंजॉय करें। रेलवे स्टेशन से थोड़ा चलने के बाद में और ये मेरा होटल मुझे मिला। वैसे बीच में और भी होटल कई आए लेकिन मेरी रेंज से बाहर थे और ये रेंज में मेरे को होटल मिला, मैंने होटल ले लिया। आइए आगे चलते हैं सिटी की तरफ, मंदिर की तरफ। और इधर मेरा होटल है, जिधर स्टेशन है वहाँ से चल के आया और यहाँ पर ये देखिए ये रेस्टोरेंट है जहाँ मैंने खाना खाया, गुजराती 130 रुपए की थाली। और यदि आप पंजाबी खाते हैं तो पंजाबी भी यहाँ पर है लेकिन मैंने गुजराती खाई। आइए आगे चलते हैं। और ये मैंने आपको जामनगर में भी बताया था, ये इनफील्ड के ऊपर बोल्ट के ऊपर ये पूरा सेटअप बना के और ये पीछे इसके सामान ढोने के लिए ये लोग बनाते हैं। ये यहाँ गुजरात में इस एरिया में ज़्यादा देखा गया है। आइए आगे चलते हैं। और ये द्वारका का पुलिस स्टेशन है जिसके आगे सामने मैं खड़ा हूँ अभी। और ये रेलवे स्टेशन का रास्ता इधर से और ये हाईवे जो पोरबंदर और जामनगर जाता है वो रास्ता है। और ये मंदिर का रास्ता है। आइए चलते हैं। और ये देखिए, ये दोबारा देखो सामान लोड करके ये लोग आए हैं। ये देखिए इस तरह से ये इसमें सामान ढोते हैं। आइए चलते हैं। और यहाँ भाई से 20 रुपए का एक गन्ने का जूस हमने पी लिया, एक गिलास 20 रुपया। और ये यहाँ सामने आप देखेंगे तो ये वेलकम टू द्वारका का गेट बड़ा सा बना हुआ है और ये यहाँ पर कृष्ण लीला लगी हुई है। और नीचे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये गेट का व्यू। और ये जो रास्ता जा रहा है अभी सूरज भी मंद मंद होता जा रहा है, ये आगे एंड की तरफ जो है रास्ता जा रहा है वो है जहाँ पे रोड एंड हो जाता है, रास्ता एंड हो जाता है वो ये रास्ता, यहाँ से 20-30 किलोमीटर के बाद में। आइए मंदिर की तरफ चलते हैं। और ये यदि हम गेट को नज़दीक से देखें तो ये कृष्ण जी का पूरा डेडिकेटेड इस्कॉन गेट, हरे कृष्णा लिखा हुआ। और ये नज़दीक से यदि हम देखें तो ये कृष्ण लीला यहाँ पर लगी हुई है और इधर इस्कॉन गेट, हरे राम। आइए अंदर चलते हैं। और ये गेट से अंदर आने के बाद में अंदर का पूरा व्यू है। और ये यहाँ के असली कृष्ण भगत जो यहाँ गौ पालते हैं वो लोग, यहाँ के लोकल लोग, ये भी आपको बहुत सारे देखने को यहाँ मिलते हैं क्योंकि ये कृष्ण जी को डेडिकेट है। आइए चलते हैं आगे। और अभी हम जहाँ पर पहुँचे हैं ये एक ख़ास जगह है। ये आप देखिए गेट से जब हम चल के आते हैं तो ये भगत यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पर ये एक बावड़ी बनी हुई है जो ऐतिहासिक बावड़ी है, यहाँ पर भगवान कृष्ण कभी आए थे। तो जब यहाँ आए थे द्वारका में तो यहाँ उन्होंने रुक कर कुछ आराम किया था, इसे विश्राम बोलते हैं। तो ये यहाँ के एक लोकल बाबा जी हैं, ये हमें कुछ बताएंगे। बाबा जी इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, विश्राम के बारे में, इसके बारे में। यहाँ मथुरा छोड़ के कृष्ण भगवान आया था, मथुरा छोड़ के यहाँ जब आए थे पहले यहाँ विश्राम लिया, यहाँ पे विश्राम लिया, विश्राम जगह विश्राम लिया, बाद में स्नान किया, यहाँ पे स्नान भी किया बावड़ी में, पीछे आराम किया, पीछे आराम भी किया। ओके बाद में वो लोग होता वो दूसरा ये वहाँ वो रुक्मणी जी हुआ उसको वो दुर्गाशा ओके उसने श्राप दिया था वो दोनों आदमी को। अभी अलग अलग मंदिर है। ओके कृष्ण भगवान का यहाँ है
लक्ष्मी है पत्नी का, उधर लक्ष्मी, हाँ उधर मंदिर है दूसरा अलग है। वो अलग मंदिर, वो अलग मंदिर बोलता है। ओके ओके ग्रेट। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है, आश्रम से यहाँ से थोड़ा आगे जाना 12-15 किलोमीटर। ओके, ये गोपी तलाव होता है, गोपी तलाव। अच्छा, वहाँ पे है। ओके, 21 किलोमीटर होगा यहाँ से, 21 किलोमीटर ओके यहाँ से। ओके ओके ओके, गोपी ने यहाँ स्नान किया था। हाँ, वो गोपी तलाव बोला था, गोपी तलाब वहाँ पे है। हाँ, कृष्ण भगवान के साथ आई थी गोपी। हाँ हाँ, उसने यहाँ रास रमा को स्नान किया। ओके, उसको नाम है गोपी तलाब। गोपी तलाब यहाँ से 21 किलोमीटर है। वो आगे टूपरी गांव है, टूपरी गांव, टूपरी गांव। ओके, वो टाटा का फोटो है, देखिए टाटा केमिकल से वही ने। जी 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 जी, वो नमक का बहुत बड़ा बड़ा। हाँ हाँ, चरकला। हाँ, नमक बीच में आता है। हाँ, उधर से आगे थोड़ा सा गंगा चरण है, गंगा चरण है आगे। ओके, वो दुर्वासा ने वो पानी, इसकी माँ को पानी की बहुत प्यास लगी। ओके, वहाँ पानी को तो कुछ मिलता नहीं, मिलता वही खारा पानी मिलता है, खारा पानी। तो हाँ हाँ, तो पांडव ने उसे पैर की लात मारी, पैर से पानी निकाला, पैर की लात मार के पानी निकला वहां से। ओके ओके, गंगाचरण बोलता है, गंगाचरण। ओके, बहुत ही बढ़िया। और ये यहाँ पे इससे थोड़ा अगर बरड़ी है, ये जो गोपियाँ साथ में आई थी वो जो स्नान कर रही हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। जी जी, बाबा जी को काफी नॉलेज है इसके बारे में और इन्होंने बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात किया। उधर से आगे थोड़ा बरड़िया गांव है, बरड़िया गांव उसकी वो हवेली। ओके, बहुत ही बढ़िया, बैठक है बाहर, बैठक। जी जी जी, भगवान भगवान वहां पर बैठे थे जाके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये यहाँ का पूरा हिसाब किताब, आइए और आगे चलते हैं। और अभी इधर से हम चल के आए हैं, तो ये देखिए आप धर्मशाला, जो आपको जगह जगह आपको मिल जाती है यहाँ पर रुकने के लिए, क्योंकि धर्मशाला हमें चाहिए वो मिल जाती है। इधर सामने भी धर्मशाला है, ये अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने नाम के हिसाब से धर्मशाला बना रखी है जिनमें हम रुक सकते हैं। आइए और आगे चलते हैं। और अभी इधर से हम चल के आए हैं, और ये सामने यहाँ एक किराया बनता है, और इधर ये पुलिस की गश्त भी रहती है। तो यहाँ हमें इसके अंदर चलना है मंदिर की तरफ। यदि सामने का दिखाऊं आपको तो ये पूरा आगे मार्केट ही है आगे तक। आइए उधर अंदर चलते हैं। और अभी इधर से चल के आए हैं, तो यहाँ ये इस चौक के ऊपर बना हुआ है, और हमें अंदर जाना है इसकी तरफ अंदर। और यदि हम इस मार्केट की बात करें तो ये यहाँ पर पूरा मार्केट। आइए अंदर चलते हैं। और ये यहाँ से अंदर आने के बाद में यहाँ देखिए आप, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, चाय के शौकीन यहाँ पर जुटे हुए हैं। और आगे हम बात करें तो जैसे जैसे मंदिर के नज़दीक जा रहे हैं यहाँ भक्तों की भीड़ आपको देखने को मिल जाती है। आइए आगे चलते हैं। और इसी रास्ते पे चलते हुए यहाँ पर एक और मंदिर, और ये पूरा आगे का मार्केट। आइए चलते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से हमें चार धाम की यात्रा करनी होती है, और उनमें से एक धाम आपके सामने है जो द्वारका में है, गुजरात के द्वारका में। ऐसे ही यदि हम तीन धाम और देखें तो एक उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है, एक रामेश्वरम तमिलनाडु में है, एक जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, और ये एक आपके सामने जिस पे अभी हम हैं ये गुजरात में द्वारका में, जो कृष्ण जी को डेडिकेट है, कृष्ण भगवान का ये मंदिर, जो चार धामों में से एक धाम। इसलिए आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि चार धाम की यात्रा हर एक हिंदू को करनी अनिवार्य होती है, और उसी को पूरा करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर कृष्ण भगवान के इस मंदिर में चौथा धाम पूरा करने के लिए यहाँ पर अपना दर्शन देते हैं, दर्शन करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमने आज ये वीडियो यहाँ द्वारका में शुरू किया, रेलवे स्टेशन से और यहाँ तक इस मंदिर तक हम पहुँचे।
तो आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।